तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो आज है संडे और मैं जानता हूं कि आज चैनल के ऊपर खेहुएने वीडियो जरूर से आने वाले हैं। इस वाली वीडियो के बाद आपको चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट मिल जाएगा जहां पर आपको कमेंट करना है, जिसके बाद आप खेहुएने वीडियो के ऊपर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और अगर मैंने उस वाली वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन ना पिक कर पाऊँ तो भाई उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन पिक करना काफ़ी ज़्यादा होती है मुश्किल। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर खेहुएने वीडियो से पहले मैं आप सभी के लिए काफ़ी सारी WWE से रिलेटेड मसालेदार फ्रेश अपडेट्स लेकर आ गया हूँ जिनको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। इस वाले वीडियो के अंदर मैं रोमन रेंस के फैंस के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रोमन रेंस को तो पसंद करते हैं लेकिन उनका हील टर्न वाला जो गिमिक है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। तो कब होगा रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न? रिसेंटली जो प्लान्स है वो हो चुके हैं रिवील या फिर कहूँ हो चुके हैं लीक, तो डिटेल के अंदर मैं उनके बेबी फेस टर्न वाले प्लान को करने वाला हूँ इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस। इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में करूँगा बात कि वो ऊपर आई या फिर नीचे गई, क्योंकि शो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, सामोन स्ट्रीट बाइट भी हुई थी शो के ऊपर, तो यहाँ पर क्या व्यूअरशिप के ऊपर आया राइज या फिर नहीं। इसके अलावा बात करूँगा रॉ अंडरग्राउंड के बारे में, क्योंकि WWE ने कर दी रिसेंटली डेज की वो रॉ अंडरग्राउंड के अंदर न्यू चैंपियनशिप करने वाले इंट्रोड्यूस। अपकमिंग रॉ के एपिसोड के बारे में करूँगा बात, जहाँ पर तीन बहुत ही बड़े मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियली अनाउंस और ये शो होने वाला है गो होम एडिशन क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को इस बार मैं शुरू करने वाला हूँ इस हफ्ते के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि स्मैकडाउन का शो एक काफ़ी बेहतरीन शो था, साशा बैंक्स की रिटर्न हुई। इसके अलावा समोवन स्ट्रीट फाइट भी थी शो के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे, एंड जो शो की एंडिंग के अंदर रोमन रेंस का रिएक्शन था वो तो एकदम अलग लेवल पर जरूर से था। लेकिन क्या यहाँ पर जो व्यूअरशिप थी वो ऊपर आई या फिर नहीं, तो आपको बता दूँ इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई स्मैकडाउन की वो ये 1.954 मिलियन व्यूवर्स, और पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी वो आई थी 2.261 मिलियन व्यूवर्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी थिंग है स्मैकडाउन की शो के लिए। इसके अलावा रोमन रेंस शो पर थे साशा बैंक्स की रिटर्न हुई, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो WWE के ऊपर पासा उल्टा ही पड़ गया और जो व्यूअरशिप है वो हमें नीचे गिरती हुई नजर आई। सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से व्यूअरशिप की डाउनफॉल का वो यही है कि ना द फिएंड थे शो पर और ना ही ब्रे वायट का फायरफ्लाई फनहाउस वाला सेगमेंट दिखाई दिया, सिर्फ एलेक्सा ब्लिस को लेकर द फिएंड को इस तरीके से मेंशन कर दिया गया शो के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजन है इस हफ्ते व्यूअरशिप की डाउनफॉल का। और उम्मीद करूंगा अगर अगले हफ्ते फायरफ्लाई फनहाउस का सेगमेंट अनाउंस होते तो जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो हमें जरूर से बढ़ती हुई नजर आए। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं जब स्मैकडाउन की इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है कम, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट करके जरूर बताना। अब मैं लेकिन बात कर लेता हूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है रॉ अंडरग्राउंड के बारे में, और काफ़ी जल्दी WWE करने वाले इंट्रोड्यूस रॉ अंडरग्राउंड के अंदर एक न्यू चैंपियनशिप, और किस तरीके से रिसेंटली उन्होंने इस वाली थिंग को किया है टीज। तो रिसेंटली जो WWE ऑन फॉक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट था वो ऑफिशियली एक पोस्ट करता है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर लिखा है कि विच ब्रांड हैज़ द बेस्ट चैंपियन स्मैकडाउन, WWE रॉ, WWE NXT या फिर NXT UK। और यहाँ पर एक्चुअली में जो WWE फॉक्स की वाली पोस्ट थी, यहाँ पर जो जिगलर है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस वाली पोस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके पोस्ट करते हैं, जहाँ पर वो बीच के अंदर अपने एक अलग से ब्रांड डाल देते हैं जो कि रॉ अंडरग्राउंड की ब्रांड है। और यहाँ पर हमें जो जिगलर है वो अपने आप को एज अ चैंपियन इंट्रोड्यूस करवाते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं हूँ रॉ अंडरग्राउंड का चैंपियन। तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताओ कि रॉ अंडरग्राउंड ज़्यादा बेहतर है, स्मैकडाउन बेहतर है या फिर रॉ बेहतर है, NXT या फिर NXT UK। तो कुल मिला के यहाँ पर चलो जिगलर ने यहाँ से टीज़ किया कि काफ़ी जल्दी न्यू चैंपियनशिप आने वाली है रॉ अंडरग्राउंड के अंदर। और इसी पोस्ट के नीचे जो WWE ऑन फॉक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी कॉमेंट करता है, जहाँ पर लिखता है कि इस वाली थिंग को मैं जरूर से अलाउ करता हूँ। तो हो सकता है जो आने वाला रॉ का एपिसोड है जहाँ पर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड डाबू गाटा का एक मैच दिखाई देगा, जो कि होगा एक सिंगल्स मैच रॉ अंडरग्राउंड के शो के अंदर, तो हो सकता है शेन मैकमैन उससे पहले ही बात अनाउंस कर दें कि आज के शो के ऊपर चैंपियनशिप होने वाली, जो कि रॉ अंडरग्राउंड की एक स्पेशल चैंपियनशिप होगी। बाकी देखते हैं कब तक WWE रॉ अंडरग्राउंड के अंदर एक न्यू टाइटल इंट्रोड्यूस करवाते हुए नजर आती है। अभी काफ़ी जल्दी होने वाला, हो सकता है क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू से पहले हो जाए या फिर वो क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के बाद। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी अपकमिंग मंडे नाइट रॉक एपिसोड के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के लिए गो होम एडिशन होने वाला मंडे नाइट रॉक की तरफ से। और यहाँ पर कौन से तीन बहुत ही बड़े मैचेस WWE की तरफ से ऑफिशियली हो चुके हैं अनाउंस। तो पहले आपको बता दूं जो मैच अनाउंस हुआ है वो है रॉ अंडरग्राउंड की तरफ से, जहां पर द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन हमें डाबू काटा का फेस करते हुए नजर आने वाले हैं, जिस मैच को मैं जरूर से देखने वाला हूं। इसके अलावा WWE चैंपियन स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर भी द लिमिटलेस कीथ ली का फेस करेंगे। और अगर कीथ ली इस वाले मैच के अंदर जीत जाते हैं तब वो ऐड हो जाएंगे WWE टाइटल मैच के अंदर, जो कि होगा क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर, यानी कि तब वो मैच बन जाएगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच, और रैंडी ऑर्टन के इस वाले मैच के अंदर होगी जीत। और मेरे हिसाब से कीथ ली भी हराने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर को कल के रॉ के एपिसोड के अंदर, परसों के रॉ के एपिसोड के अंदर। इसके अलावा एक और नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच भी अनाउंस हो चुका है, जहां पर आप सभी को बडी मर्फी एंड सेथ रॉलिंस फेस करते हुए नजर आने वाले, एंड्रॉडी एंड एंजल गार्सा एंड वो फेस करते हुए नजर आने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो एंड हम्बर्टो कैरलो का। दो टीम ऐसी जो कि ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है, एक टीम ऐसी जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
अब मुझे नहीं पता WWE ने किस तरीके से इस वाली पूरी मैच को कंफर्म किया है। ज़्यादा चांसेस जीतने के मेरे हिसाब से एंड्राडे एंजल गार्जा की हैं। इसके अलावा इस मैच के अंदर जो मैं चीज़ देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ वो ये कि किस तरीके से जो बर्डी मफी है वो इस वाले मैच के अंदर सेथ रॉलिंस के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हफ्ते एक बार फिर से बर्डी मफी के साथ बुरी हालत कर दी सेथ रॉलिंस ने, तो लगता है ऐसा है कि इस बार जो बर्डी मफी है वो सेथ रॉलिंस का साथ छोड़ने वाले हैं इस वाले मैच के अंदर। उसके बाद WWE बर्डी मफी वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच भी हमें एक मैच दिखा सकते हैं WWE के क्लैश ऑफ चैंपियंस वाले पेपर व्यू के अंदर। तो अभी फिलहाल के ये थे कुछ 3 मैचेस जो कि अपकमिंग रॉक एपिसोड के लिए हो चुके हैं नाउ, जो कि हमें परसों इंडिया के अंदर दिखाई देगा और ये होने वाला गो होम एडिशन क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के लिए। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में कर लेता हूं बात, जो कि इस बार जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। एंड रोमन रेंस का जो कब होने वाला है WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से बेबी फेस टर्न, इसको लेकर रिसेंटली जो प्लान्स है वो हो चुके हैं लीक। तो आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट आई है सामने पॉल डेविस जो कि WrestlingNews.co के मेंबर हैं उनकी तरफ से सामने आई, यहां पर उन्होंने ये बात कही है कि WWE भी फिलहाल वेट कर रही है कि कब जो सभी के सभी फैंस है चाहे वो स्मैकडाउन को देखते हो चाहे वो रोमन रेंस की स्पेशली फैन है वो रोमन रेंस को एज अ बैड गाय चीयर करना शुरू कर दें। अब अगर आप सभी को याद होगा कि एक बार WWE ने मैच दिखाया था जब केविन ओवेंस यूनिवर्सल चैंपियन थे, जहां पर सेथ रॉलिंस भी हील सुपरस्टार थे एंड केविन ओवेंस भी हील सुपरस्टार थे, लेकिन उस टाइम थे वो आप सभी के यूनिवर्सल चैंपियन। और इस वाले मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि क्रिस जेरिको की मदद के कारण केविन ओवेंस इस वाले मैच के अंदर अपनी यूनिवर्सल टाइटल को तो रिटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस हमें लीव करते हुए नजर आते हैं। पूरे के पूरे एरिना को जो फैंस है वो काफी तगड़ा चैंट देते हुए नजर आते हैं और एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए नजर आते हैं इस बार दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस को। और उसके बाद ही जो सेथ रॉलिंस है उनका एक मेन बेबी फेस टर्न शुरू होता है एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर। वो अलग बात है, अभी फिलहाल वो एक हील सुपरस्टार हैं, WWE कंपनी यही सेम प्लान्स रोमन रेंस के लिए यूज करने वाली है, यानी कि वो रेसलमेनिया के अराउंड या फिर रेसलमेनिया के शो के अंदर ही रोमन रेंस का काफी तगड़ा मैच दिखाएगी जो कि हील सुपरस्टार के खिलाफ ही होने वाला है। और ये हील सुपरस्टार कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा हील सुपरस्टार होगा एंड रोमन रेंस इस वाले मैच के अंदर प्रोबेबली हमें हारते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही वो हारेंगे रेसलमेनिया के शो को पूरा लीव करेंगे, यहां पर जो ऑडियंस है उन्हें काफी अच्छा ओवेशन देगी, काफी अच्छे उनको चेयर वगैरह देगी, जिसके बाद जो WWE फाइनली रोमन रेंस का जो बेबी फेस टर्न है वो एक बार फिर से दिखाते हुए नजर आएगी जब रोमन रेंस जो पॉल हेमन के अलायंस है वो भी हमें टूटती हुई नजर आए। और मेरे हिसाब से चांसेस तो ब्रॉक लेसनर की बनते हैं कि WWE एक बार फिर से उन्हें रीसाइन करवा लेगी एंड ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच एक बार फिर से रेसलमेनिया शो के अंदर होगा मैच, जहां पर ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से चैंपियन बनेंगे, पॉल हेमन उनका साथ देंगे, रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न एक बार फिर से हमें फाइनली WWE कंपनी के अंदर दिखाई देगा। तो भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जिन लोगों को रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न पसंद है और हील टर्न पसंद नहीं है उनके लिए काफी जल्दी वाला मोमेंट आने वाला है, बस आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा रेसलमेनिया के आसपास जब रोमन रेंस का एक बार फिर से बेबी फेस टर्न स्मैकडाउन के शो के अंदर शुरू होने वाला है। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।